हीरा लाल, मेरा नाम हीरा लाल पांडे, हीरा लाल पांडे है। और मैं इधर इन लोगों को समझाइए भाई, जिससे आप हथियार हैं। 2017 में हमने जो है कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसमें हम सेकंड फाइटर थे। इस बार मैं 2018 के लिए भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। और जो है कि आप लोग जो है अपना आप लोगों के मैं आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। कोई भी जो सारी ये बताएं कि आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, लोग आपको क्यों पसंद करके वोट देंगे? इसलिए पसंद करके वोट देंगे कि मैं जुझारू अधिवक्ता हूँ, और अधिवक्ताओं के हर कार्य में मैं कदम मिला करके आगे चलता हूँ। और जो भी अधिवक्ता की समस्या रहेगा, उसको कदम मिला करके उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। क्या प्राथमिकता है आपकी, जीतेंगे अगर तब उसके बाद? हमारी यह प्राथमिकता जो भी समस्याएं कमरा इत्यादि की, पुस्तक इत्यादि की, भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार होगा, उसका भी मैं फाइल खुलवा करके उसका समाधान करूंगा। तत्काल में क्या समस्या देख के प्रत्याशी को वोट देंगे? हमारे यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष हीरा लाल पांडे जी खड़े हैं, उनको जुझारू नेता हैं, लड़ाकू हैं, ठीक ठाक हैं। वो जो है कि बार के हित की कार्य करेंगे, इसलिए इनको जो है कि पूरे अधिवक्ता कर चाहते हैं कि अध्यक्ष बन गए। नहीं, करते हुए निकलना है ना। जीत रहे हैं, घबराइए मत। अपना कचहरी में गाड़ी करोगे क्या? चुनाव आयोग से ये बताएं कि आप सचिव पद के लिए खड़े हैं, जी तो लोग आपको क्यों वोट देंगे और क्यों सचिव बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मिर्ज़ापुर की जनता को, मिर्ज़ापुर के सारे अधिवक्ता बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य ये था कि अपने जो युवा अधिवक्ता हैं या जो अपने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कि उनके हितों के लिए कुछ काम किया जा सके, यह मोटिव लेकर मैं चुनाव में आया हूँ। और आप लोग के सहयोग से पूरा माता विन्वासनी की कृपा रहेगी तो अवश्य जीत हासिल करूँगा। जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएँ तो दो तीन प्राथमिकताएँ मेन हैं। जैसे हमारी अधिवक्ता के मृतक धनराशि कुछ कम है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। चैम्बर्स की कमी है, कुछ उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसे तमाम कई प्राथमिकता हैं। जूनियर्स के लिए चैम्बर्स की कमी है, और ऐसी कई प्राथमिकता हैं जिनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, पूरा आप लोग सहयोग से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी चाह रहे हैं कि हमारे मित्र आए और जो है अधिवक्ताओं को जो है बैठने की व्यवस्था की जाए। क्या स्ट्रेटजी है आपकी सचिव पद के चयन करने का? सचिव आएंगे, कम से कम हम लोगों की तरफ से मांग रखेंगे, और यहाँ जो अधिवक्ताओं को बैठने का, आपके सरवानी को सचिव के पद पर देखना चाहते हैं, और पूरे तन्मयता के साथ उनको लड़ा रहे हैं, और उनसे अपेक्षा करते हैं कि जो वकीलों की दुर्दशा है, इस पर कुछ जो है अपनी बात जो है बार काउंसिल तक रखेंगे।